और दूसरे कमरे की साफ सफाई चल रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों दीपावली का सीज़न चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है और सभी के घर में साफ सफाई चल रहा है। हमारे भी घर में साफ सफाई का काम चालू हो गया है। ये हमारा स्टोर रूम है, यहाँ से हम अपने कमरे की साफ सफाई स्टार्ट करेंगे और नीचे हमारे कमरे हैं उनकी भी सफाई स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं कि हम साफ सफाई कैसे करते हैं और पूरे कमरे की कितना आज एक दिन में हमारी कितनी सफाई हो। सफाई की स्टार्टिंग इस कमरे से होगी और इस कमरे का गद्दा वद्दा सब ऊपर छत पर डाल दिया है। सारा सामान भी बाहर निकल गया है। निकलने के बाद नीचे की साफ सफाई होगी और सारा सामान हमारा इधर सब रख गया है, इधर पूरा फैला दिया गया है। और दूसरे कमरे की साफ सफाई चल रही है। इस कमरे का भी सारा गद्दा और सामान हट गया है। ये दो छत्ती मम्मी साफ कर रही हैं ऊपर और इधर का सारा सामान साफ होगा। दोनों कमरों का गद्दा छत पे डाल दिया है ताकि थोड़ा धूप लग जाए इन्हें, और इधर तकिया भी रख दिया है ताकि इन्हें भी धूप लग जाए। साफ सफाई अब मेरी जिम्मेदारी है। गद्दों को फिट करके उनको नीचे कमरे तक लेके जाना। ये पहले गद्दे की फिटाई हो रही है, उसके बाद दूसरे गद्दे को फिट करके उसको नीचे लेके जाऊंगा कमरे में। अब दूसरे गद्दे की पिटाई, ये काफ़ी गंदा हो गया था पहले गद्दे का कंपेरिजन। इसमें बहुत ज़्यादा धूल बैठ गई थी तो इसको मुझे बहुत ज़्यादा पीटना पड़ा और काफ़ी टाइम लगा इसको पीटते पीटते। साफ सफाई हो गई है, अब कमरे को धोने का काम स्टार्ट हो गया। मैंने सारे कमरे धोने स्टार्ट कर दिए। तो दोस्तों सफाई करते करते मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी, अभी बहुत सफाई बाकी है कमरों का। आगे के ब्लॉग में देखते हैं इसको। आज के लिए इसको करते हैं यहीं पे ख़त्म। टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।